नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करती हूँ। आज का हमारा 10वां चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम निम्नलिखित पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेकंड, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। थर्ड, मेजर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फोर्थ, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। फिफ्थ, मार्केटिंग प्रमोशंस। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है और कस्टमर्स के लिए वैल्यू बनाने, कम्युनिकेटिंग और डिलीवरी करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्टॉक होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचाने वाले तरीकों से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए प्रोसेस का सेट है। यह टारगेट मार्केट को चुनने और रखने और बेहतर कस्टमर वैल्यू बनाने, वितरित करने और संचार करने के माध्यम से कस्टमर्स को चुनने की कला और विज्ञान है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सर्विस कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसके अंदर शामिल हैं। अब हम बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का विकास, पॉपुलेशन में परिवर्तन, परिवार की संकल्पना, अधिक डिस्पोजेबल इनकम, अधिक विवेकाधीन इनकम, टेक्नोलॉजी उन्नति, मीडिया क्रेडिट सुविधा के लिए है। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ मार्केटिंग। यह एक लीगल प्रोसेस है जिसके द्वारा ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है। यह बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंटरेक्ट करने का एक सिस्टम है। यह बिजनेस एक्टिविटीज़ के आयोजन और निर्देशन का एक प्रबंधकीय कार्य है जो उत्पादन से लेकर कंज्यूमर्स तक माल की आवाजाही की सुविधा देता है। यह कंज्यूमर्स के उन्मुखीकरण पर आधारित एक दर्शन है और संतुष्टि के दोहरे उद्देश्य हैं जिसमें मुनाफा कमाना और कंज्यूमर संतुष्टि शामिल है। अब हम बात करते हैं इसके कार्यों के बारे में। मार्केटिंग मैनेजमेंट का कार्य है मार्केटिंग स्ट्रेटजी यानी रणनीतियाँ विकसित करना और योजना कैप्चर करना, मार्केटिंग इंसाइट्स कस्टमर्स के साथ जुड़ना, मजबूत इमारतें बनाना, मार्केट का आकार देना, बाजार मूल्य वितरित करते हुए मूल्य दीर्घकालीन मूल्य में वृद्धि करना है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, जिनमें सोशल फोर्सेस, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, कंज्यूमर कंपटीशन, प्राइस, पॉलिटिकल फोर्सेस, एथिकल फोर्सेस, फिजिकल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस शामिल है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी रणनीति का अर्थ है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इम्प्रूव के लिए टेक्निक्स। आगे बढ़ने से पहले हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मींस, इसका ए ऑप्शन है आइडिया फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट, बी है ओल्ड टेक्निक ऑफ सेलिंग, सी है टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़, डी है टेक्निक फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। इसका सही आंसर है सी, टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़। इसे हम रेफरेंस स्लाइड नंबर 6 पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में। मार्केटिंग मैनेजमेंट में 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैं। पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा है सेलिंग कॉन्सेप्ट, चौथा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और पांचवा है सोसाइटिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अनुसार एक कंपनी को उन आइटम पर फोकस करना चाहिए जो कि ये मोस्ट इफेक्टिव ली सबसे कुशलता से प्रोड्यूस कर सकते हैं और लो कॉस्ट वाले आइटम की आपूर्ति बनाने पर फोकस करती हैं जो प्रोडक्ट्स की डिमांड पैदा करती हैं। इस कॉन्सेप्ट के ने 1920 के दशक के दौरान निष्पक्ष रूप से काम किया क्योंकि जो वस्तुएं उत्पादित की गई थी वे काफ़ी हद तक बुनियादी आवश्यकताएं थी और अपेक्षाकृत उच्च स्तर की अधूरी मांग थी। वस्तुतः सब कुछ जो उत्पादन किया जा सकता है वह एक बिक्री टीम द्वारा आसानी से बेच दिया गया था जिसका कार्य उत्पादन की लागत द्वारा निर्धारित मूल्य पर लेन देन को पूरा करना है। अब हम बात करते हैं
सेल्स कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार कंपनियां न केवल आइटम का उत्पादन करेगी बल्कि कस्टमर्स को उन्हें विज्ञापन और व्यक्तिगत बिक्री के माध्यम से खरीदने के लिए मनाने की भी कोशिश करेगी। इस कॉन्सेप्ट ने इस बात पर थोड़ा ध्यान दिया है कि क्या वास्तव में वस्तु की आवश्यकता थी। लक्ष्य केवल कस्टमर्स की संतुष्टि पर कम ध्यान देने के साथ प्रतियोगिता को हरा देना था। उत्पादन के विकसित होने और उत्पादन के बाद मार्केटिंग एक ऑपरेशन था और कई लोग कठिन बिक्री के साथ मार्केटिंग से संबंधित थे। आज भी लोग मार्केटिंग शब्द का उपयोग तब करते हैं जब उनका मतलब वास्तव में सेल्स बिक्री होता है। बेचने की प्रक्रिया में लीड जनरेशन शामिल है। अब हम बात करते हैं थर्ड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के क्षेत्रों में उनके आकार, उनकी आवश्यकताओं को परिभाषित करने के लिए मार्केटिंग अध्ययन पर निर्भर करती है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्केटिंग टीम मार्केटिंग मिक्स के कंट्रोलेबल पैरामीटर्स के बारे में डिसीजन लेती है। इस कॉन्सेप्ट को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पेश किया गया था क्योंकि कस्टमर्स चयनात्मक हो सकते थे और उन्हें केवल वस्तुओं को खरीद सकते थे उनकी बदलती ज़रूरतों को पूरा करते थे और ये आवश्यकता तुरंत स्पष्ट नहीं थी। जब कंपनियों ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाना शुरू किया तो उन्होंने वास्तव में अलग अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्थापित किए जिनका उद्देश्य कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करना था। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। सेलिंग प्रोसेस इंक्लूड्स ए है पब्लिसिटी, बी है लीड जनरेशन, सी है क्रॉस कंट्री कॉन्टैक्ट्स, डी है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। इसका सही आंसर है बी, लीड जनरेशन। इसे हम रेफरेंस स्लाइड नंबर 10 पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मेजर फंक्शंस के बारे में। मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ प्रमुख कार्य हैं जिसमें फर्स्ट है सेलिंग, सेकंड है बाइंग एंड असेंबलिंग, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है स्टोरेज, फिफ्थ है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, और फिर है नेक्स्ट है फाइनेंसिंग, नेक्स्ट है रिस्क टास्किंग एंड फिर है मार्केट इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। मार्केटिंग प्रोसेस में निम्नलिखित चार स्टेप शामिल होते हैं। फर्स्ट है सिचुएशन एनालिसिस, उस सिचुएशन का एनालिसिस जिसमें कंपनी खुद को ढूंढती है, वो अधूरे कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के अवसरों की पहचान करने के आधार के रूप में कार्य करती है। मार्केटिंग के विकल्पों को पहचान करने, कंपनी की अपनी क्षमताओं को पहचानने और कंपनी के संचालन के परिवेश को समझने के लिए परिस्थितिजन्य और पर्यावरणीय विश्लेषण किया जाता है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। उपलब्ध मार्केटिंग विकल्पों की पहचान करने के बाद पहचाने गए विकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक योजना विकसित की जाती है, एक विश्लेषण किया जाता है और सबसे अच्छा उपलब्ध विकल्प चुना जाता है। उस विकल्प के लिए एक योजना या रणनीति बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक इसके पॉइंट के बारे में, मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस। इस कदम पर मार्केटिंग मिश्रण के नियंत्रणीय मापदंडों के लिए विस्तृत सामरिक डिसीजंस किए जाते हैं। उसमें उत्पाद विकास, उत्पाद मूल्य निर्धारण, उत्पाद वितरण और उत्पाद संवर्धन से संबंधित डिसीजंस शामिल हैं। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग प्रमोशंस के बारे में। ये किसी भी विशेष पेशकश का उपयोग कस्टमर्स के हितों को बढ़ाने और खरीदारी को प्रभावित करने और किसी विशेष उत्पाद या कंपनी के बीच का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। यहाँ पांच प्राथमिक तत्व हैं। फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है पब्लिक रिलेशंस, थर्ड है सेल्स प्रमोशंस, फोर्थ है डायरेक्ट मार्केटिंग, फिफ्थ है पर्सनल सेलिंग्स। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। इसमें मैगजीन, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, घोषणा समाचार पत्र, रिकॉर्डिंग आदि में प्रिंट विज्ञापन शामिल हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक रिलेशंस के बारे में। ये एक्टिविटी प्रमोट में एक प्लस वी इमेज को बढ़ावा देती हैं और अच्छी बिक्री बढ़ेगी। सेल्स प्रमोशंस स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन में डिस्प्ले कॉन्टेस्ट और प्राइस डिस्काउंट
सेल्स प्रमोशनल टेक्निक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग की। एडवर्टाइजिंग का एक शब्द सीधे लक्षित कस्टमर पर लक्षित है। पर्सनल सेलिंग, यहाँ सेलर्स एंड बायर्स के बीच फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। अब हम बात करते हैं ब्रांडिंग के बारे में। शब्द ब्रांडिंग के लिए इसका मूल्य है एक सिंबल या एक मार्क जिसका उपयोग किसी उत्पाद की पहचान करने के लिए उसे गुणात्मक उत्पाद से अलग करने के लिए किया जाता है। अगर इसे परिभाषित करें तो ब्रांडिंग उत्पाद को नाम निर्दिष्ट करने की एक प्रक्रिया है। सभी प्रतिस्पर्धी उत्पाद के बीच एक विशिष्ट पहचान रखने के लिए प्रत्येक ब्रांड को मार्क किया जाता है, जिसमें ब्रांड मार्क भी कहा जाता है। ब्रांड चिन्ह उत्पाद की पहचान के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाला प्रतीक या चिन्ह है। अब हम बात करते हैं पैकिंग के बारे में। पैकेजिंग, ये एक पैकेज में कि माल में रैपिंग को कवर करने की एक प्रोसेस है। पैकेजिंग में एक उत्पाद के लिए आवरण को डिज़ाइन करना और उत्पादन करना शामिल है। कंज्यूमर्स को सुरक्षित और सुरक्षित स्थिति में सामान देने के लिए पैकेजिंग आवश्यक है। पैकेजिंग दो प्रकार की होती है, कंज्यूमर और एक इंडिविजुअली। तो कंज्यूमर वाली या लोकल कंज्यूमर्स के लिए डिज़ाइन की जाती है, और जो इंडिविजुअली होती है वह हैंडलिंग, सज्जा, सुरक्षा के लिए, अच्छा परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग के फंक्शंस के बारे में। इसका फर्स्ट जो फंक्शन है वो प्राथमिक है, जिन्हें निम्नलिखित इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। पहला होता है प्रेजेंटेशन, ये अट्रैक्टिव और आई कैचिंग वाला होना चाहिए। सेकेंड है प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में वृद्धि होनी चाहिए। थर्ड है प्रिजर्वेशन, इसमें ओरिजिनल कलर एंड क्वालिटी प्रेजेंस की होनी चाहिए। फोर्थ है इकोनॉमी, इसमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग इकोनॉमिक में होनी चाहिए। फिफ्थ है कन्वेंस, इसे संभालना हल्का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड फंक्शन के बारे में, सेकेंडरी। इसका फर्स्ट टाइप है कंटेंटमेंट, बॉक्स में रखे जाने से पहले प्री वेटेड प्री वेट। और सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन यानी प्रोडक्ट की पहचान। थर्ड है लेबलिंग यानी माल की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग प्लानिंग के बारे में। मूल्य निर्धारण करना, निर्धारण योजना। डिफिकेशन के द्वारा मूल्य वह धन है जो ग्राहकों को किसी उत्पाद या सेवा के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन मूल्य निर्धारण इसकी कीमत से कुछ अलग है। मूल्य निर्धारण एक समय में ग्राहक को उत्पाद के मूल्य के गुणात्मक शब्द में अनुमान की कला है। मूल्य निर्धारण के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं, प्राथमिक वस्तुएं जो मार्केटिंग कर, GST, CGST और भुगतान की सेवा मोड जैसे सभी मार्केटिंग पहलू। मूल्य निर्धारण कुछ निश्चितताओं के साथ ग्राहकों को दिया जा सकता है, जैसे कि गारंटी, मुफ्त वितरण और घुसपैठ। अब हम बात करते हैं मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक, दूसरा है प्रोडक्ट कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म थर्ड, फोर्थ है कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस, फिफ्थ है डिमांड फॉर प्रोडक्ट और लास्ट है गवर्नमेंट रेगुलाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, इज द सिंबल ऑफ मार्क इज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। इसका ए ऑप्शन है ब्रांड मार्क, बी है ट्रेडमार्क, सी है प्राइसिंग प्लानिंग, डी है मार्केटिंग। इसका सही आंसर है ए ब्रांड मार्क, जिसे हम रेफरेंस स्लाइड नंबर 19 पर देख सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।